आनंद कानू लिखते हैं कि वो शख्स कितना महान होता है जो बॉर्डर पर रहे तो जवान होता है, खेतों में हल थामे तो किसान होता है। कभी धूप कभी बारिश, कभी कम तापमान होता है, कभी हरियाली कभी पहाड़ कभी रेगिस्तान होता है, वो शख्स कितना महान होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज का ये वीडियो समर्पित कर रहा हूं, उनके चरणों में रख रहा हूं, जो भारत के महान योद्धा थे, हमारे परम सेनापति थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब को एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी में इनका जन्म हुआ, एक क्षत्रिय परिवार में। इनके फादर साहब और उनके भी फादर साहब, इनका पूरा परिवार भारतीय सेना से जुड़ा रहा। इनके जो दादाजी थे त्रिलोक सिंह रावत साहब, वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे उस वक्त। इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत साहब लेफ्टिनेंट थे और उन्होंने भी काफी लंबे समय तक वो भारतीय सेना में रहे, उनका योगदान अहम है। इनके पिताजी जिस बटालियन में थे, इनकी पोस्टिंग भी, पहली पोस्टिंग भी उसी बटालियन में हुई और उसी बटालियन में इनके पिताजी की भी पहली पोस्टिंग हुई थी। दिसंबर का महीना इनके लिए बड़ा खास रहा। किसे मालूम था कि दिसंबर का महीना ही इन्हें हमेशा हमेशा के लिए कहेगा कि आप दुनिया को अलविदा कह दीजिए। 16 दिसंबर 1978 को ये भारतीय सेना का हिस्सा बने। गोरखा राइफल्स की 5th रेजिमेंट में इन्हें कमीशन किया गया था, उसी जगह पर जहां इनके पिताजी को भी पहली बार कमीशन किया गया था। जनरल बिपिन रावत साहब इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं उनकी जो शिक्षा रही उसके बारे में, फिर मैं आपको कुछ किस्से सुनाना चाहता हूं, वो किस्से जो बताते हैं कि वो कितने महान योद्धा थे। जनरल बिपिन रावत साहब ने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विसेज में एमफिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका गए, वहां आगे की पढ़ाई की। सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट करके उन्होंने हाई कमांड कोर्स किया और उसके बाद देश सेवा करने की सोची और वापस लौट आए भारत। बिपिन रावत साहब एक किस्सा सुनाते थे, एनडीए का किस्सा था। वो कहते हैं कि मेरा एनडीए में सिलेक्शन कैसे हुआ, जब इंटरव्यू चल रहे थे तो ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स अंदर बैठे हुए थे, इंटरव्यू वो ले रहे थे। जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझसे एक सवाल किया गया कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा कि मैं ट्रैकिंग करना पसंद करता हूं। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जनरल बिपिन रावत साहब से कहा कि आप ये बताइए कि अगर आपको हम ट्रैकिंग पर भेजें और आपसे कहें कि सिर्फ आप एक चीज अपने साथ ले जा सकते हैं, तो वो क्या होगी। जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा कि मैं अपने साथ माचिस की डिबिया ले जाना चाहूंगा और डिब्बा ले जाना चाहूंगा माचिस का। जो ऑफिसर्स थे वो बड़े इंप्रेस हुए। इन्होंने वजह भी बताई कि जो माचिस की एक डिब्बी होगी वो मेरा काम आसान कर देगी, उस एक माचिस की डिब्बी से मैं बहुत सारे काम ट्रैकिंग पर कर पाऊंगा। जनरल बिपिन रावत साहब, जिनके इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया तारीफ करती है, जिनकी सैन्य क्षमता की पूरी दुनिया तारीफ करती है, हमारे ऐसे महान योद्धा। आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूं कि जनरल बिपिन रावत साहब को कुकरी बड़ा पसंद था। कुकरी जो है ये छोटा घुमावदार धारदार चाकू होता है। गोरखा राइफल्स के जितने सैनिक हैं, जितने जवान हैं, वो हमेशा इसे अपने पास रखते हैं। कमाल की बात ये भी है कि देहरादून के जिस कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में पढ़ाई की थी 3 साल तक जनरल बिपिन रावत ने, उस स्कूल के सिंबल में भी खुकरी है और उस स्कूल का जो मोटो है वो है टू ग्रेटर हाइट्स। और जनरल बिपिन रावत साहब जब उस स्कूल में दोबारा गए तो उन्होंने बताया कि मैं इसी स्कूल के सिंबल से और मोटो से प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़ रहा हूं बहादुरी के साथ। जनरल रावत साहब फील्ड मार्शल सैम मानिकशो और जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद में गोरखा ब्रिगेड से थल सेना अध्यक्ष बनने वाले, आर्मी चीफ बनने वाले तीसरे अधिकारी थे। जून 2015 की बात है, मणिपुर में जो उग्रवादियों का घातक हमला हुआ था उसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने सीमा पार से हमलों का जवाब देने की ठान ली थी और इसमें पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन की इकाइयों ने म्यांमार में जो NSCNK बेस था उस पर अटैक किया था और इसको कमांड कर रहे थे, लीड कर रहे थे उस वक्त जनरल बिपिन रावत साहब। कहा जाता है कि बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें भी इनका अहम योगदान था। एक कमाल का किस्सा मुझे याद आता है जनरल बिपिन रावत साहब का, जो बताता है कि वो हर सैनिक का उतना ही सम्मान करते थे जितना एक अधिकारी का। जब आर्मी के चीफ थे, थल सेना अध्यक्ष थे, उस वक्त अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आर्मी चीफ रहते हुए जनरल बिपिन रावत साहब सिविल ड्रेस में और अपनी खुद की कार में कैंट एरिया में पहुंचे दिल्ली में। जो जवान वहां सिक्योरिटी में तैनात थे, उस जवान ने कहा कि अपना बताइए, आप परिचय दीजिए। उन्होंने बताया अपने बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप जिससे मिलने आए उनको यहाँ बुला लीजिए। जो दोस्त थे उनको कॉल किया, वो आए इनको रिसीव करने के लिए गेट पर और आकर के उसे डांटने लगे जवान को कि ये क्या तरीका है, आप नहीं पहचानते आर्मी चीफ को। तो आर्मी चीफ जो उस वक्त थे जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने अपने दोस्त को टोका और कहा कि रुको रुको, इसने बहुत अच्छा काम किया,
उस जवान की पीठ थपथपाई और अगले दिन ऑफिस पहुंच करके आर्मी हेडक्वार्टर्स को लेटर लिखा उस जवान की तारीफ में। हर सिपाही का सम्मान करना जानते थे जनरल बिपिन रावत साहब। जो दर्दनाक हादसा कुन्नूर में हुआ है, जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत साहब की और बाकी अधिकारियों की, जवानों की, जनरल रावत साहब की धर्मपत्नी की जान चली गई, ऐसा ही एक हादसा उनके साथ पहले भी हो चुका था 2015 में। फरवरी का महीना था, लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत साहब उस वक्त हेडक्वार्टर के प्रमुख पद को संभाल रहे थे दीमापुर में सेना के, और दीमापुर से जब वो अपने चीता हेलीकॉप्टर में सवार होकर के निकले तो कुछ ऊंचाई पर ही उनके चॉपर का कंट्रोल खो गया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जाता है कि उस वक्त उस घटना के पीछे इंजन के फेल होने की वजह सामने आई थी और उस घटना में जनरल रावत को कुछ मामूली चोटें आई थी। सेना ने बाद में खुलासा किया था कि हेलीकॉप्टर जो था वो जमीन से सिर्फ 20 मीटर की ऊंचाई पर ही पहुंच पाया था और सिंगल इंजन के इस चॉपर में कुछ गड़बड़ी हो गई और दोनों जो पायलट थे उनका कंट्रोल इस पर से छूट गया और वो क्रैश हो गया था। हालांकि उस हेलीकॉप्टर क्रैश में किसी की भी जान की खबर नहीं आई थी, लेकिन इस बार जो हादसा हुआ कुन्नूर में, उसमें 14 के 14 साथी जो उस वक्त हेलीकॉप्टर में थे सभी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। दिसंबर का महीना जनरल बिपिन रावत साहब के जीवन में कई सारे संयोग लेकर आया और एक दुर्योग लेकर आया। जो कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो भी दिसंबर में ही हुआ, लेकिन इससे पहले जीवन में उनके बड़े संयोग हुए दिसंबर के महीने के साथ। 16 दिसंबर 1978 को मैंने आपको बताया पहली बार उन्हें सेना में कमीशन मिला था। इसके बाद में 16 दिसंबर 1980 को जनरल बिपिन रावत साहब को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया गया था। इसके 9 साल के बाद में एक बार फिर से दिसंबर का महीना भाग्यशाली रहा और 16 दिसंबर 1989 को उन्हें कैप्टन से मेजर के पद पर प्रमोट किया गया। उनके करियर में जो शानदार अचीवमेंट्स थी उसके बाद उन्हें आर्मी कमांडर ग्रेड में प्रमोशन दिया गया और कमाल की बात यह रही कि इस प्रमोशन की घोषणा भी 2015 में दिसंबर महीने में ही की गई थी। हालांकि उन्होंने कमांडर ग्रेड में अपनी पहली पोस्टिंग के तौर पर, जो सदर्न कमांड के जीओसी थे, इसके तौर पर 1 जनवरी 2016 से काम शुरू कर दिया था। बाद में 2016 में दिसंबर का महीना एक बार फिर से उनके लिए भाग्यशाली रहा। 17 दिसंबर को उन्हें भारतीय सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर अपॉइंट किया गया, प्रमोट किया गया। हालांकि ये जिम्मेदारी उन्होंने जनरल दलबीर सिंह सुहाग साहब के 31 दिसंबर को रिटायर होने पर 1 जनवरी 2017 से संभाली थी। जनरल रावत को देश का पहला CDS यानी कि तीनों सेनाओं के चीफ के तौर पर जब उन्हें अपॉइंटमेंट मिली, प्रमोट किया गया, तो ये मौका भी दिसंबर के महीने में आया। 2019 में 30 दिसंबर को उनकी रिटायरमेंट थी और उनकी रिटायरमेंट से एक दिन पहले सरकार ने घोषणा की कि भारत के पहले CDS होंगे जनरल बिपिन रावत साहब। जनरल बिपिन रावत साहब के जीवन में दिसंबर ही दुर्योग लेकर आया। 8 दिसंबर 2021 को अपनी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी और बाकी सेना के अधिकारियों के साथ इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। जनरल बिपिन रावत साहब की बेटियों ने पिता के शव के ताबूत को जब चूमा तो हर आंख नम हो गई थी और ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप और हम वो दर्द मुझे नहीं पता कितना महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन उन बेटियों के बारे में सोचिएगा जो अपने माता पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। शव उस हालत में नहीं था। जनरल बिपिन रावत साहब जो चाहते थे अपने गांव लौट जाना, रिटायरमेंट के बाद वहीं रहना, वहां का विकास हो, वहां यूनिवर्सिटीज बने, ये सब उनकी चाहत थी। अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहे। रावत साहब के साले साहब का एक बयान आया था कि उन्होंने रावत साहब से पूछा था कि काफी टाइम हो गया है आप ससुराल नहीं आए, कोई नाराजगी है क्या, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तो रावत साहब ने कहा कि अभी तो हम देश की सेवा कर रहे हैं, जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर देखते हैं कि आप हमारी कितनी सेवा करते हैं। देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, परम सेनापति, परम योद्धा को नम आंखों से विदाई दी। देश भर से ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिले हैं जो बहुत ही भावुक हैं। सड़क किनारे जूते का काम करने वाले एक सज्जन ने, जहां वो जूते का काम करते हैं उसके पास में एक कुर्सी लगा करके, तस्वीर लगा करके जनरल बिपिन रावत साहब को ट्रिब्यूट दिया। जनरल बिपिन रावत साहब और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका जी, जिन्होंने एक साथ जीने का वादा किया था, एक साथ दुनिया से चले गए। इस पर इंदौर का एक अखबार है प्रजातंत्र नाम का, जो लिखते हैं कि इसे दुर्योग ही कहेंगे कि जीवन पथ पर एक साथ चलने का जो उस समय वादा किया था वो हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में इस तरह एक दुखंत रूप में सामने आया, एक दुखांत रूप में सामने आया। जनरल बिपिन रावत साहब और सेना के जितने अधिकारी, उनकी धर्मपत्नी,
जो सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बस इस वीडियो के आखिरी में यही प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी पुण्य आत्माओं को आपके श्री चरणों में स्थान दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप और हम घरों में खुशहाल जी रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, क्योंकि सरहदों पर रक्षा लगातार हमारे वीर जवान कर रहे हैं।